नमस्कार, मैं जोगिंदर संग्रेल। हमारे बीच में आज विशाखा ठाकुर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने नृत्य के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम कमा चुकी हैं, तो आज आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं विशाखा ठाकुर से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विशाखा ठाकुर, 8वीं कक्षा की छात्रा। मैं एक डांसर हूँ एंड बॉडी हूँ। विशाखा जी, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना ओहदा, इतना बड़ा परचम लहराया है नृत्य के क्षेत्र में, ये जो शौक है वो आपका बचपन से रहा है क्या? यस सर, मैं जब 4 ईयर्स की थी, मुझे वैसे तो जब से पहले वैसे ही डांस का शौक था। जब मैं 4 ईयर्स की थी तो DID लिटिल मास्टर आता था, तो मैं TV के सामने डांस करती रहती थी। तो मुझे बहुत शौक हो गया डांस का, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, किसी चीज़ में ऑडिशन देने चाहिए। तो मुझे बहुत शौक है डांस का। तो कोई गुरु रहा है आपका? हाँ जी सर, मेरे जो टीचर है उनका नाम मिस्टर प्रेश रावल है जी। अच्छा, उनके मार्गदर्शन से आप नृत्य के क्षेत्र में इतने आगे निकल गए कि आपने पीछे मुड़ना नहीं देखा फिर। यस सर। और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस किए? फर्स्ट मेरा जो परफॉर्मेंस था वो डांस हिमाचल डांस में था, एंड लव इंटरनेशनल फेयर में था, हिमाचल गॉट टैलेंट में था सीजन 2, एंड अभी मैं हाल में ही मैंने इंडियाज़ टैलेंट फाइट के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो अभी उसके लिए, एंड अभी मैंने एक राइजिंग स्टूडियो के लिए वीडियो दिया था, तो मैं सेकंड विनर रही थी डांस की जी। बहुत बड़ी बात है, आपने इतनी छोटी उम्र में आपने अपने आप को इतने आगे ले गया कि अब आप पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आपका जो ये टैलेंट है, आपका जो शौक है, ये आपको यूं ही आगे एक दिन जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको ये बुलंदियों तक ले जाएगा, ये हमारे मंच की तरफ से आपको ढेर शुभकामनाएं हैं। तो मैं एक सवाल आपसे चाहूंगा कि जैसे आप डांस करते हो, बॉलीवुड डांस करते हो या फिल्मी डांस करते हो, तो क्या आपको शौक हमारा जो एक फोक है हिमाचली फोक, उसमें भी डांस करने का शौक रखते हो? यस सर। करते हो? यस सर, मैं करती हूं। ज़्यादातर मेरे को ये बताइए कि आपको अपना फोक और जो आप बॉलीवुड डांस करती हैं उसमें अंतर क्या लगता है आपको? सर, फर्स्ट तो मैं कहना चाहूँगी जो आपकी संस्कृति उसे नहीं भूलना चाहिए। तो जैसे कि मैं हिमाचली हूँ तो मैं अपना कल्चर कभी नहीं भूलूंगी, एंड बॉलीवुड पहाड़ी में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी इज द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड भी नहीं है, पर अपना कल्चर सबसे ज्यादा अच्छा। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आगे जो आने वाला समय है, आगे आप अब क्या करना चाहते हो इस नृत्य के क्षेत्र में? सर, मैं आगे सबसे टॉप में जाना चाहती हूँ, हिमाचल में ना, मतलब हिमाचल में नहीं, पूरे इंडिया में अपना नेम सबसे टॉप में लाना चाहती हूँ। ऐसा कोई मोमेंट था आपके लाइफ में, ऐसा कोई क्षण था जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो, जब आपको सम्मानित किया गया हो किसी मंच पे किसी संस्था के द्वारा? हिमाचल गॉट टैलेंट सीजन 2 मैं बेस्ट एप्रिसिएशन अवार्ड की विनर रही थी, एंड जब मेरा फाइनल ख़त्म हुआ तो मैं घर गई और मैं बहुत थकी थी, तो मैं सोई, मैं सुबह उठी तो मैंने अपना जो नेम है न्यूज़पेपर में देखा कि मैं यारिया मूवी के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, सो वो मेरे लिए हैप्पियर मोमेंट था। चलिए, ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपको एक बार मंच की ओर से, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें मंजिल को, आप बिल्कुल आपका जो एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, तो हम कामना करते हैं कि आप उसमें ढेर सारी एक अपना परचम लहराएं, ढेर सारा आपको उसमें सफलता प्राप्त हो, आप उसको हासिल करें, ये हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। तो विशाखा जी, आपने हिमाचल एकता मंच के लिए हमारा जो एक आपका साक्षात्कार था उसके लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।